ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में बाबा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। बाबा ने कहा, आओ बच्चे, आज अमृत वेले से ही देश विदेश के सब बच्चे अपने मन की भावनाएं बाबा के पास रख रहे हैं और बाप भी बच्चों के स्नेह को देखकर कितना ना हर्षित हो रहे हैं और बाबा भी हर एक बच्चे के भाग्य के गुण का भाग्य का गुणगान कर रहे हैं कि कितने सिक्की लदे हैं विश्व के सामने लाडले और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले और बाप को भी नाज है, यही विश्व के महाराजन और देवी देवता के रूप में मेरे ही लाडले बच्चे हैं। तो बाबा ने क्या किया, उस समय सभी बहुत से बच्चों को वतन में इमर्ज किया और जैसे इमर्ज किया तो बाबा की दृष्टि पड़ते ही हर एक के पास कुछ न कुछ ऐसा वरदान पहुंच रहा था। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे और बच्चे भी सब बहुत खुश हो रहे थे कि बाबा हमको वरदान दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, देखा कि बाप तो बंधा हुआ है कि जब बच्चे उस स्नेह से भावना से अपनी संकल्प बाबा के सामने रखते हैं तो बाप उसका रिटर्न बच्चों को देते ही हैं। तो आज तो सब बच्चों के संकल्पों का रिटर्न बाप दे ही रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप दूसरा जो है बच्चों का जो स्वरूप देखते हैं, दूसरा वो संपन्न स्वरूप देखते हैं और बच्चे अपने आप को संपन्न बना पाते या नहीं, लेकिन बाबा सदा जो है बच्चों का संपन्न स्वरूप अपने सामने देखते हैं और उसी स्वरूप के अंदर ही बाप बच्चों को भरपूर करते रहते हैं। तो फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे क्या करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को, अच्छा देखो सामने, सामने क्या देखा, एक बहुत सुंदर पेड़ था और उसके ऊपर सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे जिसको जो भी फल लेना है वो उस फल को ले ले। तो बच्चे जैसे जाते हैं तो फल पकड़ते भी हैं, हाथ में भी आता है, लेकिन वो फल क्या था, वो हाथ में आते ही जैसे गुम हो जाता था। तो उसमें कई प्रकार के फल थे, एक के ऊपर लिखा हुआ था मान शान का फल, दूसरे पे लिखा था कि अपनी उन्नति के अभिमान का फल, अपने पुरुषार्थ के अभिमान का फल, फिर मैं और मेरा, फिर लिखा था क्यों क्या कैसे। तो बाबा ने कहा, बाप ने बच्चों के सामने ऐसे स्वरूप रखे हैं और बाप बच्चों के संपन्न स्वरूप को देखता है, लेकिन बच्चे क्या हैं, उस स्वरूप में न टिक करके अभी भी पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के अंदर जब
ये बातें आ जाती हैं, मान मान शान मेरा और तेरा और इस प्रकार के अपने पुरुषार्थ का अभिमान, तो बाबा ने जो इनको इतने स्वरूप और इतना संपन्न स्वरूप बच्चों का बनाया है, तो उसके अंदर ऊपर नीचे होता है, शेकिंग होता है। तो फिर बाबा ने क्या दिखाया, बच्चों के सबके संपन्न स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देते देते हर एक का स्वरूप बदलता ही जा रहा था, किसी का रूप कैसा किसी का रूप कैसा। तो बाबा ने कहा सारे दिन के अंदर बच्चे अपने कितने स्वरूप बदलते हैं, वो बच्चों को खुद ही खुद चेक करना है, और बाप जो है बच्चों के संपन्न स्वरूप को देखते भी हैं और विश्व के सामने वो रूप दिखाते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उस स्वरूप में रह ना पाते तो अपने रूप बदलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा देखो अभी समय प्रमाण आपका संपन्न स्वरूप आपके भगत देखना चाहते हैं, तो उस संपन्न स्वरूप के द्वारा ही एक तो बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, दूसरा भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे, और संपन्न स्वरूप के अनुभव करते जाएंगे तो भविष्य जो दुनिया अपनी है वो दुनिया के नजारे भी दिखाई देंगे। नहीं तो अभी पुरुषार्थ ज्यादा, भविष्य दुनिया के नजारे कम, अपने संपन्न स्वरूप की स्थिति का जो रूप है वो भी जो बदलता रहता है, उसके ऊपर बच्चों को विशेष ध्यान दे करके और चेक करना है। फिर तो क्या देखती हूँ, बाबा ने जैसे फिर एक और पेड़ दिखाया, उस पेड़ के अंदर भी अलग अलग प्रकार के फल लगे थे। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे इस पेड़ में से जिसको जो फल चाहिए वो ले। तो बच्चे जैसे जाते हैं फल तोड़ते नहीं थे, वो फल जो है ऑटोमेटिकली उतर के, जैसे ना ऊपर से नीचे उतरता है, वो फल ऊपर से आता था, हर एक के पास पहुंचता था, जैसे उनके पास पहुंचता था जैसी उनकी स्थिति थी वैसा उनका भविष्य स्वरूप दिखाई देता जाता था। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे जब सो स्थिति में रहेंगे तो स्थिति के आधार से जो संपन्नता का स्वरूप, जो भविष्य प्राप्ति का स्वरूप है, वो ऑटोमेटिकली ही सामने आएगा। उसके लिए आपको पुरुषार्थ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए अपनी स्व स्थिति में विशेष ध्यान देकर के चेक करके अपना वैसा ही स्वरूप बनाए। तो फिर तो बाबा जैसे मुस्कुरा भी रहे थे, सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे। बाबा ने कहा सब बच्चों को कहना निश्चिंत रहें, बाप साथ है और बाप को साथ लेकर के चलते रहेंगे। हर चीज हर कार्य जो है, जो कई प्रकार की बातें आ रही हैं बच्चों के सामने, तो बाप को साथ लेके चलेंगे तो हर परिस्थिति सहज और हल्की होती जाएगी, क्योंकि बाप की छत्र छाया में है। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको याद दिया, और दिन के संदेश से याद प्यार था वो भी बाबा को दिया। अच्छा ओम। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे, बाबा के करीब पहुंचने से ही बाबा का संदेश सब करते जाओ, बाबा के नजदीक करीब पहुंचते ही सभी भाई बहनों की
स्नेह भरी याद प्यार दिया। याद प्यार देते बाबा कहने लगे, सदगुरु बार के दिन विशेष बच्चों की चारों तरफ से कोई ना कोई रूप से, कोई ना कोई रीति से सूक्ष्म याद बाप के पास पहुंचती रहती है। बाबा ने उसके ऊपर एक छोटा सा दृश्य मर्ज करते दिखाया। बाबा ने कहा कि दुनिया में कोई भगत बच्चा मंदिर में प्रवेश करता है और करने के साथ वह सबसे पहले अपनी जो कमियां हैं वो भगवान को सामने समक्ष रख, कई कान पकड़ते हैं, नाक पकड़ते हैं और उसके जब समीप जाते हैं तो हाथ फैला देते हैं कुछ ना कुछ मांगने के लिए। बाबा ने कहा कि बाप के करीब तो पहुंचते हैं, मांगते ही हैं, पर बाबा ने कहा कि बाप तो है ही सागर और सागर में सब कुछ समाया हुआ है। फिर बाबा ने भक्ति में देवियों का स्वरूप भी मर्ज किया कि देवियों का भी स्वरूप उसी प्रकार भक्ति में होता है, एक हाथ होता है वरदानी और दूसरा हाथ होता है दान का, देते हुए का दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब देवियों में भी उसी प्रकार भावना भरी हुई है और बाप तो है ही सदैव बच्चों को सब कुछ देने वाला, वरदानों से भरपूर करने वाला, तो बाबा ने कहा कि बच्चों के आगे कोई प्रकार की कमी बाप रखते नहीं हैं। हर बच्चे को बाबा जिस संकल्प से बच्चे बाप के घर में आते हैं, कुछ ना कुछ संकल्प, कुछ ना कुछ मन के विचार, अपनी स्थिति परिस्थिति के लेकर के भी आते हैं, पर बाबा ने कहा कि समय के अनुसार बाप बच्चों की सब आशाओं को पूर्ण करने के लिए बना हुआ है, बाप पूरा करते हैं। बाबा ने कहा भक्ति और ज्ञान में यही अंतर है, वहां सिर्फ मांगा है और यहाँ दाता बन के बाबा विशेष बच्चों को सब कुछ देते रहते हैं। तो बाबा को आज विशेष कई आत्माओं की विशेष याद दी। बाबा ने भी उन बच्चों को, उन भाई बहनों को विशेष इमर्ज करते हुए, बहुत बहुत स्नेह से इमर्ज करते भोग स्वीकार कराते। बाबा ने कहा कि बच्चों का संकल्प भोग के साथ में भी बाबा के पास पहुंच जाता है और बाबा उस भोग में भी उसी प्रकार शक्ति भर देते हैं जो बच्चे भरपूर होकर के जाते हैं। तो मैंने बाबा को कहा कि विशेष बाबा के टर्न के अनुसार गुजरात के बच्चे आए हैं, भाई बहने आए हैं। बाबा ने कहा कि बाबा देख रहे हैं इस स्थूल में भले बच्चे थोड़े पहुंचे हैं पर सूक्ष्म से अपने अपने स्थान पर बच्चे बैठे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और विदेश के बच्चे भी बाप को विशेष याद कर रहे हैं, याद बाबा के पास पहुंचती है क्योंकि विशेष सीजन में
बाबा के बच्चे विदेश के भी आते हैं, तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा तो सूक्ष्म रीति से बच्चों को भरपूर करते जा रहे हैं, शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं। ऐसे कहते बाबा ने बड़े प्यार से मधुवन से लेकर के जाते हैं शांतिवन से, तो बाबा ने सभी भाई बहनों को आए हुए जो दूर बैठे सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और बाबा को भोग स्वीकार कराते सभी की याद लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।